नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड को किस प्रकार फास्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन की स्पीड को किस प्रकार फास्ट करें तो ये वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि इंटरनेट की स्पीड को किस प्रकार फास्ट एंड बूस्ट किया जाता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि काफी लोगों की हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपने स्मार्टफोन है, टैबलेट है, जो कुछ भी है, उसकी इंटरनेट स्पीड को किस प्रकार फास्ट करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर आपके सामने जो कनेक्शन सेटिंग्स होता है इसके अंदर आपको जाना होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन का मोबाइल नेटवर्क डिवाइस के अंदर जाना है। जो मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है उसमें जाना है आपको। इसके अंदर आपको यहां पर मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूं उन ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। रोमिंग डेटास को ऑलवेज आपको ऑन रखना है ताकि इन केस अगर आप रोमिंग एरियाज में चले जाए तो वहां भी आपका इंटरनेट फास्टली काम करे। इसके बाद में आपको जो 4G का वोल्टी सिम है तो उसको भी आपको एनेबल रखना है। यहां पर आपको ऑटो नेटवर्क को ऑन कर लेना है और दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर आपके सामने जो ये ऑप्शन यहां पर लिखे हुए आ रहे हैं हमारा, इसमें ये सभी ऑप्शन आपको यहां पर ऐड कर लेना है। जैसे कि मोबाइल या वोडाफोन मोबाइल कनेक्शन लिखना है। अगर आपकी वोडाफोन की सिम है, एयरटेल की सिम है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। APN के अंदर आपको www लिखना है। इसके बाद में MCC और MNC ऑटोमेटिकली आ गया होगा और ऑथोरिटी टाइप में नन कर लेना है आपको और API टाइप में आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेलेक्ट कर लेना है। और इसके अंदर APN प्रोटोकॉल के अंदर आपको IPv4 एंड IPv6 को सेलेक्ट करना है और बैरियर्स के अंदर आपको अनस्पेसिफाइड को सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद दोस्तों मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क को आपको नन कर देना है। ये सभी सेटिंग ऐड करें और इसको सेव कर लें, आपका इंटरनेट काफी फास्टली चलेगा। जैसे आपके स्मार्टफोन के अंदर काफी अलग अलग ऑप्शंस आ रहे होंगे, अगर इन केस आपका इस वाले फंक्शन से नेट नहीं चल पाता है तो आपको www की जगह यहाँ पर आपको पोर्टल NMMS लिखना है इस जगह पर और ये वाला ऑप्शन से आप इंटरनेट चलाएंगे, आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगा। जो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है इसको आपको वहाँ पर टाइप कर लेना है, आपका इंटरनेट काफ़ी फास्टली गति से चलने लग जाएगा। इसी ट्रिक को फॉलो करके मैं काफ़ी समय से अपना इंटरनेट फास्टली गति से चला रहा हूँ और आपका भी चलेगा। अब मैं आपको कुछ और स्टेप बता देता हूँ। आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर, जो भी आपका स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको जो है एप्स आता है, एप्स जितने भी एप्स हैं आपके, उन सभी एप्स के अंदर जाना। देखिए मेरे यहां पर एप्स हैं, इन एप्स के अंदर आपको जाना है और इन केस आप जैसे कोई गेम खेलते हैं, माना कि आपको कोई हाईपर गेम खेलते हैं या आप फेसबुक ही चलाते हैं, आपको फेसबुक के अंदर जाना है अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो, और मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाना है और यहाँ पर जो है कि ऑप्शन आता है बैकग्राउंड डेटा यूजिंग, इसे आप ऑफ कर दें और यहाँ पर आपको अलाउ कर दें अलाउ डेटा यूजिंग डेटा सेवर, मतलब आप अपने डेटास को सेव करें, बचत करें यहाँ से, और आप बैकग्राउंड रनिंग ऑप्शन को ऑफ कर दें। जैसे आप इसमें कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब में कर सकते हैं, आपके अंदर जितने भी एप्स हैं उन एप्स के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड में डेटा रनिंग का, इसको स्टॉप कर दें। अगर आपके बैकग्राउंड के अंदर डेटास वर्क नहीं करेंगे, डेटास चलेंगे नहीं, तो आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट गति से चलेगा। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है, आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगा। आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर ऑटो अपडेट वाले फीचर को भी ऑफ रख लेना है। काफ़ी बार आपको मालूम नहीं होता है, ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट होते रहते हैं और इस वजह से भी आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है, तो ऑटो ऐप अपडेट को भी आप ऑफ करते हैं तो आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट गति से चलने लग जाएगा। काफ़ी तरीके मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाया है। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।